और के छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ सीवरेज में काम के दौरान सड़क धंस गई, जिसमें तीन मजदूर पानी से भरे हुए गड्ढे में जा गिरे, जिसमें एक मजदूर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक को घायल अवस्था में MY हॉस्पिटल पहुंचाया और एक सकुशल है। मामला इंदौर के छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र के मधुमेलन चौराहे का है, जहां पर कुछ दिनों से सीवरेज का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। वहीं आज काम के दौरान तीन मजदूर गड्ढे के पास ही काम कर रहे थे, उसी दौरान JCB मशीन द्वारा खुदाई की जा रही थी कि अचानक से सड़क धंस गई, जिससे तीन मजदूर पानी से भरे हुए गड्ढे में जा गिरे। मौके से एक मजदूर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, वहीं दूसरे मजदूर को निकालकर इलाज के लिए MY अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान तीसरे मजदूर की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं JCB का पंजा मजदूर को लगने से उसका सर धड़ से अलग हो गया। फिलहाल शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए MY पहुंचाया है। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी और देखने वालों का मजमा लगा रहा। रोड से आकर यहाँ पे खड़ा हुआ था, इधर सामने वो 15 मिनट के अंदर, मतलब क्या था कि मैं रोज देखता था, मेरा मकान सामने है, तीन तीन चार चार फीट तक सीमेंट कांक्रीट की तीन तीन चार चार फीट तक, मतलब उसके नीचे की सब मट्टी। तो मैंने उनको कहा कि अरे कभी गिर सकता है ये, तो उसके बाद में मैंने कहा यार नर्मदा का पानी जब तक बंद नहीं करोगे तुम, ये पानी तुम चार दिन से रोज पैसे, हम भी परेशान हो रहे हैं, हमारे धंधे पानी पूरे दुकानदारों को चौपट हो रहे हैं। उनको बोल बोल के मैं परेशान हो गया कि भैया पानी क्या हुआ है कि मजदूर लोग नीचे काम कर रहे थे, ऊपर से सीधे के सीधे चट्टान मट्टी के सहित नीचे आ गई। सड़क जो थी वो नीचे, मेरे ख्याल से दो तीन लोग तो थे अंदर। ये मतलब ये छोटी ग्वाल टोली रचना होटल के सामने जो गड्ढा खुद रहा, लापरवाही है ये नगर निगम के जो कर्मचारी है ना, ये ठेकेदार की है, उसको देखना चाहिए, नर्मदा का पानी बंद कराना चाहिए। चार दिन से पूरा लबरेज भर जाता है ये पानी से, मगर उसको खाली नहीं कराते, बस दिन भर काम करते हैं, रात को भी बंद कर देते हैं, इसके बाद में पानी मतलब पूरा फिर भर जाता है। कन्हैयालाल यादव एडवोकेट। सीवेज का काम चल रहा था, नगर निगम की जो पार्टी थी ठेके पर एक पार्टी काम कर रही थी, जो सीवेज का काम चल रहा था, यहाँ पर अचानक से जो मजदूर काम कर रहे थे जमीन धंसने से अंदर उसमें चले गए, तो इसमें एक व्यक्ति जो है उसको रेस्क्यू कर लिया गया, अभी एडमिट है। एक व्यक्ति की इसमें डेथ हो चुकी है और जो तीसरा व्यक्ति था वो स्वस्थ है। अभी आप देख रहे हैं सर, रेस्क्यू काम अभी चल रहा है, कंप्लीट हुआ है। और सर टोटल कितने व्यक्ति थे और किस तरीके से? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ आई है उसमें टोटल तीन लोग थे, जिसमें से एक घायल अवस्था में है जिसको एडमिट कर चुके हैं, एक की डेथ हो चुकी है और जो तीसरा है वो पूर्णतः स्वस्थ है, उसको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। सर JCB की बॉडी से भी, बॉडी को बड़ी मशीन से बड़ी मशक्कत के अगर निकालना पड़ा सर? अच्छा, अभी जैसा आप लोगों ने देखा है JCB से जो काम चल रहा था उसमें जो शव अंदर, एक जो अंदर व्यक्ति फंसा हुआ था उसको निकालने का प्रयास किया गया, जिसमें जो घटना करना आपके सामने। सर लापरवाही है, तो लापरवाही को लेकर के क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें किस तरह? अभी तो प्रारंभिक तौर पर पुलिस जो है रेस्क्यू काम कर रही है और निश्चित रूप से जिसकी लापरवाही कही जाएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। सर मृतक का नाम आया है या अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं ये मजदूर काम करने वाले, और स्थानीय को खबरदार था जिसने इनके काम पर लगाया। इंदौर से सचिन शर्मा के साथ NK मीणा की रिपोर्ट।